गोरक्षा की जब हम बात करते हैं, हिंदुओं के लिए ये एक हार्ट टचिंग पॉइंट है। हिंदुत्व में गाय को एक विशेष महत्व दिया गया है और हम जैसे कि जानते हैं हमारे सभी देवताओं का वास गोमाता के अंदर है। तो जहाँ पर हमें पता चलता है कि गाय के साथ गो तस्करी या गोहत्या जैसी बातें हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ को देखकर बहुत बुरा लगता है। हमारे जो साथी हैं, हम रात रात भर नाका लगा रहे हैं जाके। कुछ साथी मेरे आ रहे हैं और उनमें से आप देखेंगे कोई बीटेक कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है। ऐसा नहीं है कि वो सब अनपढ़ हैं। अच्छी डिग्री लेने के बाद वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं क्योंकि हिंदू हैं और टच रखते हैं गोमाता के साथ। गाय से लगाव हर हिंदू का है, ये तो मैं आपसे बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग उसमें आगे आकर काम कर रहे हैं। उनमें हमारी टीम में वकील भी हैं जो हमारा केस लड़ते हैं। जो हमारे साथ वॉलेंटियर्स आते हैं ना, जो हमारे दोस्त, हमारे भाई जो भी वो आते हैं, उन सबको पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपनी भारत माँ को बचा रहे हैं, हम अपनी गौ माता को बचा रहे हैं, और अपनी माँ को बचाने के लिए जो सच्चे हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं और गौ माता को माता मानते हैं, कोई पीछे नहीं हटता। गोरक्षा की प्रेरणा मुझे घर से माता पिता से मिली है, जो माता पिता बताते हैं कि हमारी जो गौ माता है उसके अंदर हमारे 33 कोटि के जो देवी देवता है वो उसमें वास करते हैं। तो और हमारे घर वाले भी, घर की जो पहली रोटी निकलती है वो गौ माता के लिए निकलती है, और स्कूल में भी पढ़ाया गौ माता के मूत्र से और गोबर से अनेकों, और दूध से अनेकों प्रकार की बीमारियाँ दूर हो सकती हैं और बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। गौ माता के सिर्फ हाथ फेरने से ही ऊपर काफ़ी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। तो माता पिता भी ये प्रेरणा देते हैं कि गौ माता को जितना हो सके बचाओ। देखिए, जैसे टोल नाके हैं, टोल नाके पर भी काफ़ी गोभक्त अपने साथी हैं। यहाँ पर आपका KGP पे भी टोल बना है, ये अपना NS-19 पे भी टोल नाका है। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह की गाड़ियों में या तो स्मेल आ जाती है, जिस गोवंश को आप लेके जा रहे हो, जैसे अगर उसमें मीट है तो स्मेल आ जाती है। उन लोगों को जैसे टोल पे गाड़ी खड़ी होगी स्मेल आएगी, वो तुरंत सूचना देते हैं उस गाड़ी को, तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक हमारी टीम पहुँचे। जहाँ भी, जिस हालत में भी हमारे गोरक्षक भाई होते हैं, तुरंत वहाँ के लिए निकल लेते हैं। रात को अगर 2 बजे भी कॉल आती है तो 2 बजे भी उठ के वहाँ चल देंगे। ज़्यादातर तो एक टीम हमेशा 8 से 10 लड़कों की टीम, जैसे 50-60 लड़के हमारे गोरक्षा दल में पलवल हैं, 8 से 10 लड़कों की टीम ने तो हमेशा ही रात भर जागेंगे। हमारे संगठन में जो गोरक्षा के संगठन हैं वहाँ पर मेरा और तेरा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं पलवल में काम कर रहा हूँ, एक भाई गुड़गांव में काम कर रहा है, दूसरा भाई सोहना में काम कर रहा है, तीसरा भाई UP में काम कर रहा है। हमारे नंबर आपस में एक दूसरे के पास हैं। तो मैं यहाँ से अगर फ़ोन करके कहूँगा भाई यहाँ से गाड़ी भागी और आपकी तरफ आई है, तो वो अलर्ट होकर वहाँ खड़ा हो जाएगा। जी, गोरक्षा का हम जो काम करते हैं, रात को हम पे इन्फॉर्मेशन आती है कि कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं जो गाय की भर के हुए आती हैं, हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं। पलवल से हमारा जो मेन रोड होता है वो होता है पलवल से हथीन के लिए, क्योंकि हथीन के बाद पूरा मेवात इलाका चालू हो जाता है, वो रोड हमारा मेन होता है। बाकी हमारा ओवरऑल होता है और बीच में से कोई छोटे मोटे रोड जाते हैं वो भी होते हैं। एक हमने वो बनाया हुआ है, एक कांटा कहते हैं उसे, एक इतना लंबा लोहे का पत्ती होगी, उसमें जगह 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 कील खड़ी हुई होती है। तो जब गाड़ी भाग रही होती है तो उस गाड़ी के बाइक सवार उसे लेकर गाड़ी से तेज भागने की कोशिश करेगा और उसे जाके उसके टायर के सामने डाल देगा। तो जैसे ही वो टायर उससे निकलेगा तो पंचर हो जाएगी, फिर उसे रुकना मजबूरी हो जाता है। अच्छा, वो आपका एक औजार उन्हें रोकने का। जी देखिए, कई बार प्रशासन से कहा है कि गोरक्षकों के लिए लाइसेंस बनवा दीजिए आप, लेकिन इस पर प्रशासन का कोई हमें मतलब ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है या ऐसा कोई सहयोग नहीं मिलता हमें कि हमें प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले कि हम गोरक्षक आगे करें। दिन हो चाहे रात हो, हम ये भी नहीं देखते, अगर दिन है हम अपने काम पे, तो हम काम छोड़ करके सबसे पहले गौ माता को बचाने जाते हैं, और गौ माता ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम काम भी छोड़ देते। बचपन से ही गौ माता के प्रति एक सिंपैथी, एक सहयोग मतलब जो रहता है कि भाई हमारी माँ है, इस तरह से बेसहारा या असहाय रूप से नहीं घूमनी चाहिए। जैसे जैसे बड़े होते हुए आए हैं उसमें चेतना बढ़ती आई है, चेतना बढ़ते बढ़ते उसमें एक्टिव रूप से काम करना शुरू किया है। समाज की सोच क्या है कि भाई जैसे हमें कहीं से सैलरी मिल रही है कि हमें, हमारी ही ड्यूटी है, अगर गोवंश को कहीं पे चोट आई है तो हम ही पट्टी करें जाकर, और अगर उसके मतलब वो मृतक रूप में पड़ा है तो हमारी ही ड्यूटी है उसको जाकर दफनाने की, और फिर उसके बावजूद सरकार की तरफ से इनाम क्या मिलता है कि गोरक्षक गुंडे हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि गोरक्षक गुंडे हैं, मैं उन सभी को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आज, कि जो हमें गुंडे बोलते हैं वो एक रात हमारे साथ
इस मेवात के एरिया में गौरक्षा का कार्य करके दिखाएं, फिर वो हमें गुंडे बोले, तब उनको पता चलेगा गुंडे क्या होते हैं, या हम गुंडागिर्दी कर रहे हैं, या हम गौरक्षा कर रहे हैं, या हम ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे हैं। रात को 12 बजे भी अगर कॉल आ जाए तो सर्दियों के दिनों में बिस्तर छोड़ के भागते हैं लोग विदाउट पेड, फौजियों जैसी इनकी ड्यूटी होती है, जैसे फौजी के लिए कभी भी खड़ा होकर चलना है ना। जैसे हम अपनी भारत माँ को, धरती माँ को जो दर्जा देते हैं, वही दर्जा हम अपनी गौ माता को देते हैं, इसलिए हम गौ माता को नहीं कटने देंगे, चाहे उसमें हमें अपनी जान देनी पड़े और चाहे उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, जी जो वास्तव में गोरक्षक हैं और जो जिनके दिल में गाय बसती है, उनके लिए गाय से ऊपर कुछ नहीं है। अगर उन्हें दिख रहा है कि मनुष्य गाय को काट रहा है तो मनुष्य को काट देंगे। हमारे लिए माँ है, जो हमारी माँ की हत्या कर रहा है हम उसे कैसे छोड़ देंगे? गाय का मांस ले जा रहा है, अगर पकड़ में आया तो वो भी नहीं बचेगा। हम सिर्फ भारत माँ के लिए, अपने देश के लिए, अपने गौ माता के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है और उस इन्फॉर्मेशन को हम समय से पहले अगर पुलिस को फॉरवर्ड कर दें तो वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हो जाती है। अब ये क्यों होता है, कौन सी इसमें शक्ति काम कर रही है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन को हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, जी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है आज यहाँ से गाड़ी निकलेगी, वो गाड़ी आएगी नहीं। फिर जो गो हत्या कर रहा है उसके मरने पर हमें दुख नहीं है, प्रशासन को तो खासकर पछताई है कि हम क्या कर रहे हैं और हम गलत नहीं हैं। हमारे साथ रहकर देखे वो लोग जो हमको गलत बोलते हैं, तो उनके सामने सारी बात सच्चाई आ जाएगी। अगर कोई गाय लेके जा रहा है, या तो वो अपने जो पार्षद होता है उससे लिखवा के लाए, या फिर जो गाँव में सरपंच होता है उससे लिखवा के लाए, अगर वो ये चीज लिखवा के लाता है तो हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। इस देश के हिसाब से ही उनको रहना चाहिए, हमारे भारत के संविधान को उनको मानना चाहिए, हमारे वंदे मातरम को मानना चाहिए, भारत माता की जय उनको बोलनी चाहिए। और जो इनको नहीं कबूल करता है, नहीं मानता है, भारत माता को माता नहीं मानता है, वंदे मातरम गीत नहीं गाता है, राष्ट्रगान का जो वो नहीं करता है सम्मान, उसे हम ये कहते हैं वो बेशक से भारत छोड़कर चला जाए, ऐसे लोगों की हमें देश में ज़रूरत नहीं है।